लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहां आपका बिल्डिंग का लोड वॉल बियर करेगा, वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेम स्ट्रक्चर की, बिल्डिंग का लोड बीम और कॉलम के थ्रू अर्थ में जाने वाला होता है। लेकिन कुछ ठेकेदार कमाल ही कर दिए हैं, एक अलग तरीके का मेथड ला दिए हैं जहां पर वो पहले ब्रिक वॉल उठाते हैं देन कॉलम की कास्टिंग करते हैं, जो कि आईएएस कोड में प्रेफर नहीं किया जाता और ये चीज करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप अगर पहले ब्रिक वर्क करते हो और फिर उसके बाद कॉलम की कास्टिंग करते हो तो आपके वॉल्स पर क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अर्थक्वेक आता है या विंड लोड आता है तो आपकी बिल्डिंग लूज हो सकती है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो ठेकेदार को साफ साफ शब्दों में बोल दीजिए कि सबसे पहले मेरी बिल्डिंग में कॉलम खड़े होंगे, देन उसके बाद ही मैं अपना ब्रिक वर्क कराऊंगा। लेकिन ऐसा करने से आपका ठेकेदार आपको दे सकता है एक्सक्यूज, कहेगा कि सर इसके अंदर जॉइंट दिखेंगे। तो भाई उससे बोलो कि चिकन नेक का यूज करें। जब भी आप कॉलम और ब्रिक वर्क को जॉइन कर रहे हैं तो वहां पर आप चिकन नेक का यूज कर सकते हैं और अपने जॉइंट्स को मजबूती प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बने रहिए इस तरह सिविल गुरुजी के साथ, जो आपको प्रोवाइड कराता रहेगा बहुत सारे ऐसे